एक पत्रकार को अरेस्ट कर रहे हैं तो गब्बर सिंह क्या गब्बर सिंह क्यों ना कहूंगा गब्बर सिंह मैंने डर लगा कह दे मेरे पता एक दर्जन के सर एक दर्जन बेसक और ला दो आप अनुभव बोल लेंगे भाई। नवीन जी क्या कुछ हो गया, क्या विशेष मुद्दा था, क्या कारण था? मैं न्योता देना आया हूँ और सारे नौजवान भाइयों का 21 तारीख का न्योता देना आया हूँ। और भाई बढ़ चढ़ के सालेंगे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव और 36 बरादरी का भाईचारे का न्योता सारे का, ठीक है ना भाई जी। और जैसे आप मतलब बड़े ही बेधड़क तरीके से अपने विचार प्रकट करते हो, और यदि मुख्यमंत्री की बात करें कोई भी राजनीतिक आदमी है ब्रह्ममूलक विचार प्रकट करते हो, शब्द भी ऐसे करते हो, लेकिन गब्बर को गोबर बोलते हो और कहीं ना कहीं ऐसे युवाओं में एक जोश भरते हो, इसके पीछे क्या कारण है? यदि आपकी एज के हिसाब से देखे तो इतने युवा साथी आज आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाई पहली बात तेनों में किसी ने गलत ना कहता, कंस मामा गलत है, गलत है भाई कंस मामा, हमारी जमीन पर कब्जा करे तो और क्या कहेंगे भाई। और फिर नु कहे हमारा धन्यवाद ब्यूरो, क्या धन्यवाद भाई, धन्यवाद करेंगे मुख्यमंत्री जी आकती करेंगे 100 करोड़ रुपए के लिए रुपये दवा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए नवीन जाएंगे थोड़ी सी है बताओ। पूरे हरियाणा में क्राइम है, एक पत्रकार को अरेस्ट कर रहे हैं तो गब्बर सिंह क्या गब्बर सिंह क्यों ना कहूंगा गब्बर सिंह मैंने डर लगा कह दे बता भाई। तो पूरे हरियाणा भर से आएंगे सभी लोग, पूरे हरियाणा नहीं हरियाणा दिल्ली। अरे आपने हेलीकॉप्टर की बात कही थी तो वो कैसे विशेष प्रबंध किया जाएगा? हेलीकॉप्टर की बात कही थी, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएगा। हाँ बिल्कुल फूल बरसाए जाएगा। श्री भगवान की जय। पीजीआई वाला मुद्दा था आपका, वो हो गया सर क्लियर? मेरे पता एक दर्जन के सर एक दर्जन बेसक और ला दो आप अनुभव बोल रहे भाई। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के गांव ओंगर से नवीन जय हिंद यहां पर पहुंचे हैं, परशुराम भवन से लाइव तस्वीरें आप सभी को दिखाई जा रही है। करनाल के गांव ओंगर में इस तरीके से इनविटेशन दिया है सभी के सभी युवाओं साथियों को। जब खेल कोटा खत्म हो गया था ना, इस हरियाणा में कोई नेता बोलो नहीं, नहीं था इनके खिलाफ, थारे भाई ने सोटा उठाया था। जब बात बेरोजगारी की थी ना, इस हरियाणा में कोई बोल नहीं आ रही था, बेरोजगारा की बरात का टी थी हमने, याद है कि नहीं है? बेरोजगारा की बरात है, हालांकि बहुदास लाकी को नहीं उन्होंने पर है लाकी है। अरे भाई मैं तो एक बात और कहूंगा, सबके भले में भला हुआ है और ब्राह्मण का असली काम हो भाई सबका भला सोचना। ब्राह्मण का मतलब हो बलिदान स्वाभिमान है, और अपनी कह लिया भाई सारी बरादरी के, चाहे कोई भाई ठाकुर भाई हो, जाट भाई हो, पंजाबी बनिया, SC BC कोई गुजर या तो सारे भाई हैं। हेलीकॉप्टर का फूल बरसवाएंगे अपने भाइयों के ऊपर। फूल बरसवाओगे ना बरसवावे, तुम बोले भाई तुम तो टेस्ट मिले भाई। अरे फूल बरसवाओगे नहीं हेलीकॉप्टर का, ये सब अपील ना ध्यान से सुन लियो, तुम ना नौकरी मिलना ना मिलना, थारा ब्याह हो चाहे ना हो, क्योंकि नौकरी के बिना तो ब्याह भी ना हो, गलत बात तो नहीं है। कितना मजा हो रहा है बताइए मैं, ये बात है अंकल जी आपका तो ये रहा वहां भी हुआ जिंदगी हो रही है वो बिना खाते चाले हो रहे हैं भाई। ये तो रोजगार वाला काम का बताऊ मैं, क्या हो से ना हो नौकरी मिलना चाहिए ना मिलना, सुनियो भाई दो चिंता तो बच जाइयो मेरे भाई, एक तो नशे था मेरे भाइयों, और एक झगड़े रोड़े अपराध है। नमस्कार मैं हूं प्रवीण जागने, लाई तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के गांव ओंगर से लाई तस्वीरें आप सभी को दिखाई जा रही है। देख सकते हैं 21 तारीख को एक रोहतक में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और एक बार राहुल भाई से बातचीत करेंगे। तो सर क्या कुछ कहोगे, आज नवीन जैन पहुंचे हैं तो क्या विशेष मुद्दा रहा? जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी भाइयों को, आप सभी को पता है नवीन भाई पहुंचे थे जो 21 तारीख को प्रावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उसका न्योता देने के लिए, और आप सभी आमंत्रित हैं, और बढ़ चढ़ कर जितने भी ज्यादा युवा साथी भाई पहुंचे, 36 बिरादरी के भाई पहुंचे वहां पे बढ़ चढ़ प्रावर में,